वाटर मूव फ्राम द हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल तो बोला जा रहा है कि जो प्लांट हैं इनमें वाटर मूव करता है हायर वाटर पोटेंशियल से टू द लोअर वाटर पोटेंशियल तो ये जो हमारा यहाँ पे स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही दिया गया है बिकॉज इंटरनल वाटर पोटेंशियल अगर हम प्लांट सेल का देखते हैं तो ये जो है ज्यादा नेगेटिव होता है देन प्योर वाटर बिकॉज ऑफ द साइटोप्लाज्म हाई सोल्यूट कंटेंट राइट अब इस डिफरेंस की वजह से जो हमारा वॉटर पोटेंशियल है वॉटर का वो मूव करता है सोइल से इन टू द प्लांट रूट सेल्स वी आर द प्रोसेस जिसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं राइट right? ओके okay, देखेंगे यहाँ पे रीजन क्या दिया गया है रीजन दिया गया है एनर्जेटिकली वाटर मूव्स फ्रॉम द हायर टू लोअर एनर्जी राइट तो ये जो हमारे यहाँ पे रीजन का स्टेटमेंट है वो गलत होता है बिकॉज यहाँ पे वॉटर पोटेंशियल में डिफरेंस होता है जिसकी वजह से वाटर जो है वो मिट्टी से से जो है प्लांट के रूट सेल्स में आ जाता है वीआर अदर प्रोसेस जिसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं अब आप पूछेंगे कि ऑस्मोसिस जो है ये कौन सी प्रोसेस होती है तो ऑस्मोसिस जो है ये एक प्रोसेस होती है जहां पे मूवमेंट होता है हमारे सॉल्वेंट का अक्रॉस सेम्बरे टुवार्ड्स द हायर कंसनट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट राइट देखेंगे ऑप्शंस फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है बोथ एजोर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजोर्शन तो ऑप्शन गलत करेंगे बिकॉज रीजन जो है वो यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट है ओके आफ्टर दैट देखेंगे सेकेंड ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन दिया गया है बोथ एंड एंड रीजन रीजन आर ट्रू इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन तो ये जो हमारा ऑप्शन है वो भी यहाँ पे गलत होता है थर्ड दिया गया है इज इज ट्रू एंड रीजन फॉल्स तो हमारा जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन थर्ड एंड लास्ट ऑप्शन हेयर इज बोथ एजर्शन एंड रीजन आर फॉल्स अगेन द ऑप्शन इज रॉन्ग क्लास से ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा सकता आज डाउनलोड करें डाउट नेटअप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर